गोविंद सदा सर्वोपरि सोई ते पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोय ऐसे मुक्त स्वरूप जो सिर गुरुवर के चरण चित शेष झुकावत दास जन्म मरण भय हरन हित बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामय माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पावन कबीर आश्रम सकरी में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। आइए आपको मैं जरा ऐतिहासिक ओर ले चलता हूँ। ये गुरु पूर्णिमा ये पुरानी परंपरा है, बहुत समय से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा को इतिहासज्ञों ने ये भी कहा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से याद किया गया, और इसमें भी किमिदंती है व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में महर्षि वेद व्यास हुए हैं बहुत पहले, और वे संस्कृत साहित्य में अपने आप में अद्वितीय और बेजोड़। सदगुरु अविलास साहब उनके संदर्भ में कहा करते थे, संस्कृत साहित्य में महर्षि वेद व्यास जैसे जोड़ा मिलना बड़ा मुश्किल, और हिंदी साहित्य में कबीर जैसे, सदगुरु कबीर जैसे हिंदी साहित्य में कवि के रूप में वे भी अपने आप में अद्वितीय और बेजोड़। गागर में सागर है, महर्षि वेद व्यास जी के ये भी बताया जाता है उनका जन्मदिन, उस जन्मदिन के पावन दिन को व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये आषाढ़ पूर्णिमा में शिक्षा का आरंभ भी होती है। परिवच्चा जो शिष्य है गुरु का आश्रम में वे चार महीना आज से गुरु पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा से उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। इस प्रकार गुरु और शिष्य की परंपरा के नाम से गुरु पूर्णिमा जगत जाहिर है, और ये समर्पण दिवस है। गुरु के प्रति शिष्य को कैसे समर्पण होना है, समर्पित होना है, ये गुरु पूर्णिमा इसका साक्षी है। और ये इतिहास हमारे सामने है, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा और वैष्णव परंपरा, वैदिक परंपरा, सभी परंपरा में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाए जाते हैं। कबीर साहब तो गुरु पर ही आधारित है, सर्वोपरि उपासनी अगर है कबीर पंथ में वो है सदगुरु, गुरु है। इसीलिए कबीर पंथ में ये भी कह दिया जाता है, अगर वो साधु भेष मार रहे हैं कहें कबीर चंडालों आए ताकर चरण पखारो भाई, यहां तक कहा गया। इतनी उपासना गुरु के प्रति बताए गए, और वहां भी ये उपासना में बता दिया गया है, अगर गुरु अगर लोभी है तो बावन समझो, क्रोधी है तो परशुराम समझो, अर मोही है तो राम समझो, अगर तू चतुर चेला है तो गुरु की सेवा करो जैसे पति व्रता नारी
पति जैसा भी हो उसकी सेवा है। वहाँ उपासना पर यहाँ तक बता दिया गया, कबीर पंथ में यही बताया जा रहा है। तो गुरु वास्तव में सर्वोपरि, गुरु के बिना जीवन शुरू ही नहीं होता है। और गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी, और शिष्य को चाहिए गुरु की शरण में रहकर उनकी आज्ञा पालन करना, सेवा करना। एक तरफ तो हम कह देते हैं गुरु पूर्ण होना चाहिए, जैसे गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, ऐसे ही गुरु सदगुरु में पूर्णत्व होना चाहिए, आप्त काम निष्काम की दशा होनी चाहिए। और ये कसौटी गीता में भी दी गई है। महाराज कृष्ण से पार्थ ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, समाधिलीन पुरुष के क्या लक्षण है, हमारी भाषा में कहें जीवन मुक्त पुरुष की क्या लक्षण है। वहां पूछा गया, पार्थ ने पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभाषित किम आशित ब्रजे। हे केशव, स्थित प्रज्ञ के जो महापुरुष हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं, समाधि लीन पुरुष हैं, का भाषा उसका क्या लक्षण है और कैसे वे बोलते हैं, कैसे वे बैठते हैं, कैसे वे चलते हैं, किमाशित कैसे वे बैठते हैं, ब्रजेत कैसे वे चलते हैं और कैसे वे बोलते हैं। जो स्थितवान, जो प्रज्ञावान, जो पुरुष हैं, उनका चलना फिरना खाना पीना अलग ही ढंग से विलक्षण रहेंगे। तब महाराज कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजा हाथ यदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ दुष्चित। जो मन में रही हुई समस्त कामनाओं को जिन्होंने प्रत्याग कर दिया और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, है पार्थ, उन्हें ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह स्वात्मरतिरेव साधात्म तृप्तस्य मानव आत्मनेव संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में अपना रथ करता है, आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, उन्हें और दुनिया में कर्म करने का शेष रह ही नहीं जाता है, वो आप्त काम निष्काम हो जाता है। सदगुरु में ये लक्षण है, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र मश करूं गुरुगुण लिखा न जाए। सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दरिया दिशे माय। बीजक में साहब कहते हैं सदगुरु मिले बहुत सुख लई, सदगुरु शब्द सुधारे कबीर ठाकुर से ये उभरिए जाकी छा। सदगुरु परम उपासनीय है, इसके अलावा जो हम उपासनीय मानते हैं वो अपनी अवधारणा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सदगुरु वचन सुनो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहता हूं अब तय समर संहार। विद्वानों का कहना है ये कबीर की गर्भोक्ति है, लेकिन जो पहुंचे हुए जो पुरुष हैं वो अथॉरिटी से कह सकते हैं। साहब कहते हैं हे संतों सदगुरु के वचन सुनो। सदगुरु का वचन क्या है? सदगुरु का वचन निर्णय वचन है। निर्णय वाणी गुरुमुख होई जाते पक्षा पक्ष सब कोई खोई। निर्णय वाणी गुरुमुख वाणी है, प्रकृति के अपने गुण धर्म है, प्रकृति के अपना शाश्वत नियम है। जो प्रकृति के गुण धर्मों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अगर जो कारण कारज की व्यवस्था के अनुसार जो बातें कही जाए वो बातें माननीय है, वो अनुकरणीय है। दो दो चार ये गुरुमुख वाणी है। साहब कहते हैं हे संतों सदगुरु के वचनों को सुनो,
जो सदगुरु जो सच्चे होते हैं उनकी वाणी निर्णय वाणी होती है, अनुमान कल्पना और भ्रम की वाणी नहीं होगी, उनकी वाणी यथार्थ और सत्य और कारण कारज की व्यवस्था के अनुकूल हो। आश्चर्य होता है, आज से 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने जो वाणी कही है आज तक विज्ञान से कटती है न टकराती है। ये वाणियों में खूबियां हैं। अच्छे अच्छे क्रांतिकारी ओशो रजनीश कहे जाने वाले धरती में जितने महापुरुष हैं उसकी धज्जी उड़ा दी, किसी को उन्होंने मुरब्बत नहीं किया, लेकिन कबीर पर जब उन्होंने काम किया कबीर पर वो फिदा हो गए और कबीर पर उन्होंने खूब काम किया। और ये भी कहते हैं बुद्ध और महावीर कहाँ से आए, राजघराने से आए, इसलिए राजपुरुष और राजकुमारियां उनकी सांग लग गए। कबीर कहाँ से पैदा हुए, कीचड़ से कमल प्रकट होते हैं और कमल फूल कितना शोभायमान हो। कबीर ऐसे ही कीचड़ से, उनके माँ बाप कहाँ वे जन्म लिए, उनके माँ बाप कौन हैं, इनमें भी संदिग्ध हैं, कोई इतिहास नहीं मिलता। लेकिन वे महापुरुष गरजते हैं, डरते नहीं, निर्भय होके जो कहना उस साफ साफ कहते हैं। सदगुरु अविनाश साहब उसके संदर्भ में कहते हैं धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को, बख्शा नहीं जो फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित गिराई विद्या के खम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को सदगुरु कबीर ने किसी को नहीं बख्शा, जो कहा साफ कहा यथार्थ कहा। भूला बे आमक ना दाना जिन हरदम रामायणा जाना, बरबस आने गाय पचारी गरा काट जे वाप लिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे ताको कहा थलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत है ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पाने सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं आमक कहा तुम्हारो वर्ण किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको देश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजू न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजिए हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान पुराना, कहें कबीर दो गए नरक में जिन हरदम रामायणा जाना, दर की बात कहो दर वेशा बादशाह है कौने भेषा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना माना कौन सूरत का करू सलामा, और काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैंसा, बकरी मुर्गी किन पुर माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जाना पीर कहाओ बैता पर पड़ जग भरमायो, कहाँ कबीर एक सैयद भाव है आप सरीका, जग कबला दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, या कुन वा बंदगी क्यों कर खुशी खुदा, ऐसा जबान अड़ाना उस जमाने जहाँ मुसलमानों की मुसलमानों का शासन, जहाँ उनकी तोती बोलती हो, अब इधर मुल्ला और पंडित और काजियों का धार्मिक दबदबा, और उस जमाने में ऐसा कहना संतों पाड़े निर्पुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे दिल में दर्द नाई, करिय स्नान तिलक दे बैठे विदिशो देव बुझाई, आत्म राम पलक में बिल से रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माए अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हसी आवे मोय भाई, और पाप पटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, गाय बंधे थे तू रुक गई इनते में क्या छोटे, इतना कसाब कहना बेमुरवत कहना उस जमाने में कहना। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, उन्होंने यही कहा था अनल हक अर्थात मैं खुदा हूँ, इस अभियोग में उन्हें कैसी सजा दी गई है, सजा देने के पहले दोनों आँख निकलवा लिए गए, दोनों पैर दोनों हाथ कटवा लिए गए, अंत में सूली पे चढ़ा दी गई, लेकिन वे अनल हक कहना वो छोड़ा नहीं। इस्लाम में अनल हक कहना मैं खुदा हूँ नामुमकिन, लेकिन वो महापुरुष घबराए नहीं,
और कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए, सिकंदर लोधी के काल में हुए, वे न सताए हो ऐसी बात नहीं है, सताएंगे, लेकिन सिकंदर लोधी जैसे शासक वे भी कबीर साहब के सामने झुके हैं। मैं उनकी वाणी पर चर्चा कर रहा था, कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक, महान तार्किक, महान क्रांतिकारी, ऐसे महापुरुषों को पा करके हम लोग अंधविश्वास और चमत्कार और पाखंड में आज हम गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, सदगुरु संत, सदगुरु वचन सुनो संत, सदगुरु जो सच्चे हैं उनकी जो निर्णय वचनों को सुनो और मत लीजिए शिरवा, मान्यताओं का बोझा सिर पे मत लागो। हम लोग मान्यताओं का बोझा सिर पे लाद रहे हैं, कबीर जैसे महापुरुष को पाकर, सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष को पाकर मान्यताओं का बोझा सिर से नहीं उतर रहे। दो प्रकार की मान्यताएं हमारी हैं, एक मान्यता है देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान, जिंद चुड़ैल भूत प्रेत मरी मशान, ये भी एक मान्यता है, और कहें खुलासा तो ये क्या है, अंधविश्वास। आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, आज हम लोग चमत्कार में भूल रहे हैं। अभी अभी हमारे साहब कह रही थी ना, एक लोटा जल से सारी समस्या का हल, आज हम लोग कबीर साहब को पा करके एक लोटा जल को चढ़ाने में ही लग जाते हैं, कबीर को पाकर, सदगुरु कबीर साहब को पाकर। सदगुरु कबीर ने जो वैज्ञानिक जो बातें उन्होंने कही है, देवी देवता भूत प्रेत, इस पर उन्होंने प्रहार भी किया, उनका उनकी उपासनीय कौन है, ये सगुण साकार देवी देवता जो जीता जागता जो हो हैं, वो प्राणी ही वास्तव में देवी देवता है, वो है सगुण देवता है, सगुण भगवान है। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी बहुत पहले कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अति देवो भव, चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। उसमें पहला देवता माँ को बताया गया है, कितना वैज्ञानिक है। कभी साहब कहते हैं यहाँ, अगर देवता यदि है पहला सगुण देवता है तो अपने घर में ही वो है माता और पिता के रूप में। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है, उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती हैं, सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, सभी देवों में देव पिता, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया गया। और कितना ये वैज्ञानिक, सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है, हम आज उनका संदेश को भूलते जा रहे हैं। जो देवता खाए न पिए, चले न फिरे, डोले न बोले, उस मुख देवता को हम नमस्कार भी कर रहे हैं, पूज भी रहे हैं। जिनके पास जाइए नमस्कार करिए तो वहां से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेंगे, लेकिन जीते जागते माँ बाप को आप नमस्कार करोगे, प्रणाम करोगे तो तुरंत आशीर्वाद मिलेंगे। और कबीर साहब को लोग मानते, वो खंडन किया, लेकिन जो मैंने अभी जो बातें कही हैं, ये आज से 3000 वर्ष पूर्व तैत्री उपनिषद का ये सूत्र, ये मंत्र है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। अब कितना ये वैज्ञानिक, एक गृह रूपी मंदिर में अगर देखा जाए तो साक्षात अगर देखा जाए तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में हमारे घर में ही देवी और देवता है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है लोग मानते हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, इसीलिए हिंदू परंपरा में त्रिदेव की पूजा होती है। लेकिन ये तो अपनी काल्पनिक का उदाहरणा है, लेकिन विज्ञान क्या कह रहा है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक धरातल से अगर उतर के कहें तो ये अपने गृह रूपी मंदिर में अगर देखा जाए तो माता पिता जन्म देते हैं इसलिए वे ब्रह्मा के रूप में हैं, माता पिता
हमें पालन पोषण करते, इसलिए वे विष्णु के रूप में हैं। माता पिता पढ़ा लिखा करके योग्य अयोग्य काम में लगाते हैं, इसलिए ये शिव के रूप में। ऐसे जो माँ बाप हैं, आज उसको हम वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति नहीं, पाश्चात्य संस्कृति है। आज पढ़े लिखे कहे जाने वाले, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कहे जाने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ भेज रहे हैं? वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं, वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति है। कबीर साहब का यही संदेश है, हम लोग जो शगुन साकार देवता है उसको समझें और पूजा का स्थल बनाएं, तो निश्चित है हमारा घर देव मंदिर बन जाएगा। और भूत प्रेत जादू टोना मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अब शकुन टोना टोटका और चमत्कार की दलदल में हम लोग घुसा हुआ है। आज विज्ञान युग में भी हम चमत्कार की दलदल में घुसा हुए हैं। आशीर्वाद से पुत्र दे रहे हैं, आशीर्वाद से राज की प्राप्ति हो रही है। बेल के नीचे एक महीना गायत्री का जप करो, राज की प्राप्ति होगी। इन्हीं प्रलोभन में पढ़ करके कबीर पंथी कह जाने वाले भटक जाते हैं। साहब कहते हैं, मत लीजिए सिर भार, मान्यताओं का बोझा मत लादो सिर पे। हम लोग मान्यताओं का बोझा सिर पे लाद रहे हैं और खुद हम गुमराह हो रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही राह बता रहे हैं। साहब कहते हैं, हो हजूर ठाड़ कहत, तुम खुद हजूर हो, हाजिर हजूर हो, खुद स्वामी हो। वास्तव में मनुष्य महान है, इस धरती में अगर देखा जाए तो मनुष्य वास्तव में महान है। गोहियम ब्रह्म तद विदम ब्रवीण, नहीं मानुषा श्रेष्ठम है किंकि। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, मैं गोपनीय बात कहता हूँ, वह यह मनुष्य बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए इस्लामी विद्वानों ने कहा, जानवर आदमी फरिश्ता आदमी में भी सैकड़ों किस्म है। वास्तव में आदमी में भी सैकड़ों किस्म है, जानवर भी है, आदमी भी है, फरिश्ता भी है और खुदा भी है। सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक शोध करने वाला कौन है? का भगवान है? आज तक उन्होंने कहा है कि मैंने एक ज्ञान विज्ञान की खोज मैंने की है? किसी ने नहीं, किसी भगवान ने आकर के नहीं बताया। वास्तव में सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक ये आदमी है, मनुष्य है। सदगुरु अविलास साहब लिखते हैं, वेद साथ कुरान गुरबाणी जहाँ तक जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, ज्ञान विज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट जाती जब भी है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। वेद साथ कुरान गुरुवाणी जहाँ तक जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान विज्ञान का शोधक वही है, सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक वही जीव ही है। अब ब्रह्मेश्वर देवताओं का सृजेता ये जीव ही है, अथवा जीव ही वास्तव में सर्वोपरि है, जीव के ही पर्यायवाची है। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे जीव ही की देन है प्रज्ञाता। सदगुरु अविलास साहब लिखते हैं, ब्रह्म ईश्वर देवता ये सत्य के पर्यायवाची सब शब्द हैं। इसलिए कबीर साहब पहले पंक्ति बीजक में कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। उनका संदेश है, वो है जीव के सर्वोपरि को समझो। वास्तव में जीव ही को हटा दो तो शिवत की घटना कहाँ घटेगी, आत्मा को हटा दो तो परमात्मा की घटना कहाँ घटेगी। इसलिए हमारे शास्त्र में भी ये बताया गया है, आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। लोक भाषा में ये भी कहा जाता है, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेतात्मा और महात्मा परमात्मा। ये आत्मा में सारी घटना घटती है। प्रेत आत्मा जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई वो प्रेत आत्मा,
दुष्ट आत्मा, जो आत्मा दुष्टता में उतर आई उसके दुष्ट आत्मा, महात्मा जिन्होंने अपने आप को धो लिया है, महान हो गया है वो महात्मा, परमात्मा एकदम विशुद्ध हो गया वे वास्तव में परमात्मा हैं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विशुद्ध बुद्धे परमार्थ दर्शनम, विशुद्ध बुद्धि में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, प्रसन्न चित्त में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। महाभारत में एक पर्व है शांति पर्व, वहाँ ये बताया गया है आत्मा आत्मा जब तक कषाय में है विकार में है, तब तक वो जीव कहलाता है। बहुत सुंदर छोटा सा मंत्र है, आत्मा क्षेत्र की युक्ता संयुक्त है, प्राकृतिक गुण तैरे तू विनर्मुक्त है परमार्थ में दाहिता। आत्मा जब तक प्रकृति के गुणों में बंधा है तब तक वह क्षेत्रज्ञ देववासी जीव कहलाता है, जब वह सब तरफ से मुक्त हो जाता है तब वह परमात्मा हो जाता है। लक्ष्मण और राम के संवाद में बाबा रघुनाथ जी ने संवाद कराया है, लक्ष्मण ने प्रश्न किया है शिव क्या है, तब कहा गया जीव इसमें भेद किम इतनो आय सदीव, बद्ध दशा में जीव है मोक्ष दशा में शिव, बंधन की दशा में वह जीव कहलाता है और मोक्ष के दशा में वह शिव कहलाता है, ये विश्राम सागर में भी कहलाया गया। और इस्लामी विद्वानों ने भी फकीरों ने ये भी तो कहा मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। बहुत सुंदर इस सूत्र कहा गया है मखलूक ही मजहरे खालिक, मखलूक प्राणी, मजहरे प्रत्यक्ष, खालिक ईश्वर, प्रत्यक्ष प्राणी ही ईश्वर है और ईश्वर प्राणी से सर्वोच्च इंसान है। जाहि दे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह कहे अल्लाह है मैं कहूँ अल्लाह हूँ, जाहिद परहेजगार तो है लेकिन गुमराह है भटका हुआ, वो कहते हैं कहीं अल्लाह है नहीं, मैं अल्लाह खुद अल्लाह हूँ, जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में, हम तो इंसान को दुनिया की खुदा मानते हैं, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होते, ये इस्लामी फकीरों ने कहा। और हमारी परंपरा में भारतीय परंपरा में बार बार ये कहा गया है अंता शरीरे ज्योतिर्मय सुप्रो यम पश्यंत यथा सिण दोषा, परमात्मा को खोजे खोजने से खोजो मत बाहर, उपद्रष्टान मंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमार्थ में चाप युक्तो देश में पुरुषा परा, ये गीता भी कहती है ये दृष्टा ही मंता है भरता है भोक्ता है और महान ईश्वर है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयार्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों में विद्यमान है, ये कबीर साहब का यही संदेश है, प्राणियों में ही हमें देवी देवता भगवान भगवती देना है देखना है और प्रेम की गंगा इन सब के सामने हमें बहानी है, सद्भावना और प्रेम का भाव रखते हुए सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, ये गुरु पूर्णिमा मनाने का हमारे हम लोगों का सार्थक होगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके बीच मैंने कुछ देर आपके बीच निवेदन किया, अब यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु साहेब की साहेब। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, अंतिम में पूज्यवर साहेब जी से आशीर्वाद, आपके कल्याणकारी विचारों से हम सब लाभान्वित हो, तत्पश्चात भोजन का साथ। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदनी संसमाज उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके आश्रम में संत अतिथि आप सब आए हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में भी साहेब ने बताया कि गुरु पूर्णिमा हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक परंपराओं के गुरुजन ज्येष्ठ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु की पूजा, और वहीं से सत्संग शुरू होता है। कहा जाता है पुराने समय में और आज के समय में काफी अंतर है। जब हमारा ही जीवन में हम देखते हैं बचपना पढ़ाई में पढ़ने के लिए जाता था गांव में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए गया 5 किलोमीटर पैदल जाता था, नाला पड़ता, बारिश में बाढ़ आ जाती, वापस चले आता, पैदल जाना कीचड़ में, कहीं भी सड़क नहीं। एक बार मैं हाई मिडिल स्कूल में पढ़ने जा रहा था, सड़क के नाम नहीं, न नहर में भी न परिया में, वैसे कीचड़ कीचड़ जाना होता था। पैर में कांटा चुभ गया, ऊपर तक आ गया। एक किसान ऐसे धान बोने के लिए आया था, उन्होंने मुझे अपने कंधे में लेकर के चले गए गांव में, वहां रिश्तेदार था, वहां छोड़ दिए, फिर कांटा निकाला। तो इस प्रकार से उस समय का समय था। अपने ही जीवन में हमने देखा 60 के आसपास, 60 से 65 तक। 65 के बाद में भी मैं हाई स्कूल में गया, नया पारा जाना होता था दर्रा से, वहां भी पैदल ही जाता था 7 किलोमीटर, साइकिल भी खोजने में मिलता नहीं था। तो इस प्रकार से यातायात के साधन उस समय नहीं था अपने ही जीवन में, और पूरा काल से धर्म परंपरा, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, कबीर परंपरा, अनेक परंपरा है संतों के। तो सत्संग का जिज्ञासु सत्संग चाहता है, अब सत्संग मिले कैसे? आज तो हम चाहें कहीं भी दुनिया में भारत भ्रमण करना चाहें अकेला, तो मोटरसाइकिल ले लें, अब पूरे भारत भ्रमण कर सकते हैं। चाहे भारी बारिश हो, कोई रुकावट नहीं, हर नाला में हर नदी में पान बांध हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय था सत्संग का अभाव, जैसे यहाँ सकरी क्षेत्र में इस आरंग ब्लॉक में कोई आश्रम खास रूप में नहीं था। दान तो मिला, भक्तों ने दान दिए, जैसे चोरभट्टी आश्रम है, दान दिए
खेती दे दिए, मंदिर बना दिए, लेकिन वहां व्यवस्था पूर्ण सत्संग नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर भक्त विशोभा ने दान दिया और उन्होंने विधिवत आश्रम का भी निर्माण किया और आगे भी होते चले जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आषाढ़ पूर्णिमा को भक्तों ने आत्मज्ञान पाने के लिए जगह जगह संघाराम, सत्संग भवन आदि बनाते थे और गुरुजनों को बुला करके एक जगह व्यवस्था करते थे और सत्संग से लाभ लेते थे। व्यवहारिक, आध्यात्मिक, परमार्थिक हर दृष्टि में गुरुजन उपदेश देते थे। काम से फुर्सत होकर के आते किसान, व्यापारी और शाम को सत्संग लाभ लेते थे एक जगह। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा से ही शुरू होता था और शरद पूर्णिमा तक चलता था, वह परंपरा है। यहाँ भी हम चाहते हैं और होता भी है यहाँ, जैसे अभी हर महीना सत्संग हो रहा है। बरसात में गुरुभूषण साहब अभी दो तीन तीन चार वर्षों से लगातार आ रहे हैं और संत समाज आते थे और आगे भी हम आते रहेंगे। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को माना गया पूर्णिमा। पूर्णिमा में चांद भरपूर हो रहता है, कोई कमी नहीं। उसी प्रकार से पूर्णता में जो पहुंचे हुए गुरुजन है उनसे लाभ जिज्ञासु लेना चाहता है और अपने जीवन को तराशना चाहता है गुरु के शरण में रह करके। तो इस प्रकार से पूर्णता को पहुंचे हुए गुरुजन ही हमें शांति लाभ दे सकते हैं और उसके गुरु के पूजा अर्चना वंदना करके गुरु पूर्णिमा के दिन से आषाढ़ पूर्णिमा पूरा बारिश भर सत्संग सघन चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि 24 घंटा आप काम नहीं कर सकते हैं। 8 घंटा सो करके, 8 घंटा काम करके फिर भी 8 घंटा समय बचा है। 8 घंटा में और अपना गृहस्थी का सामान व्यवस्था करके फिर भी 4 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय सत्संग में आप दे करके अपना जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा से ही सत्संग और सदग्रंथों का पठन पाठन सदैव से चले आया है और आगे भी चलता रहेगा। या आश्रम उसी के लिए बना है, सत्संग लाभ लें संतों के द्वारा और सत्संग भजन से अपने जीवन को तराशते रहें, सत्संग से लाभ लेते रहें। ये सत्संग का व्यवस्था आप सबके ही द्वारा होता है। संतों विचरण वाले हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इस प्रकार से भ्रमण करते हुए चले जाते हैं। अभी आपके आश्रम में साहेब जी प्रयागराज से कबीर जयंती में आपके आश्रम में पिछले वर्ष भी आए, इस वर्ष भी आए और पहले भी आए और गुरु पूर्णिमा में भी पिछले वर्ष भी आए थे, अभी भी दर्शन दिए। आप सबको सत्संग का लाभ मिला। अभी आपके सुनार देवरी से साध्वी श्री सुश्री चंद्रकला साहेब ने पिछले एक समय में एक सप्ताह का समय दिए थे, कई वर्ष पहले बरसात में साहेब जी के जो हम सत्संग जो मनाते हैं सितंबर में भादों में उसमें दिए थे। अभी भी आए हैं, लाभ दे रहे हैं और कल भी आप रहेंगे। महासमुंद जाना है गुरु पूर्णिमा में परसों, तो कल जितने भी लोग अधिक से अधिक आकर के आपसे सत्संग लाभ ले सकते हैं आश्रम में आकर के। आश्रम हमारा नहीं है, सबका है, सभी संतों का है और आप सबका है। हम तो कुछ दिन के लिए हैं और सदा के लिए नहीं रहेंगे,
कुछ ही दिन के लिए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन संध्या हो चुकी है, संध्या हो चुकी है और बाघिन है, गाय को घेर लिया है, बाघिन है गाय को घेर लिया है, लेकिन गाय मरती नहीं है और बाघी ने भूखी भी नहीं जाती है। हमारा शरीर का संध्या आ गया है, बुढ़ापा हो गया है, बस कुछ ही समय रहना है ये आपके आश्रम में, जब तक हैं व्यवस्था देख रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और सदा के लिए छोड़ के जाना है। तो जैसे जीवस दिन का दिन ढल जाता है तो शाम हो जाता है, ऐसे ही जीवन बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अब ये जड़ चेतन का जो संबंध है सदा के लिए विच्छेद होने वाला है, सदा के लिए। ये यमराज है, यमराज रूपी जो सिंह है वो क्या करता है, ये शरीर और आत्मा का जो संबंध है उसको विच्छेद कर देता है, लेकिन आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता है, अमर आत्मा है। हम अपने वासनाओं को दग्ध कर दिए तो हम अमर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, और वासनाओं को ये मेरा ये मेरा मेरा क्या चीज है, आश्रम मेरा है नहीं है, आश्रम मेरा नहीं है, सदा के लिए छोड़ना है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक हूँ आश्रम में, अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने साधना भजन के लिए, अपने शांति के लिए व्यवस्था कर देता हूँ, और आने वाले को भी इसी में लाभ मिलता है, अपने स्वार्थ, अपने स्वार्थवश और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से कुछ दिन मुझे अभी जब तक प्रारब्ध है तब तक रह रहा हूँ, और सदा के लिए छोड़ के जाना है। इसलिए आप सब आते रहें, सत्संग सेवा से लाभ उठाते रहें, और ये कार्यक्रम मैं रख देता हूँ, सूचना आप सबको मिल जाती है, न मेरे पास खेती है, न नौकरी है, न व्यवसाय है, बस इतने अतिथि का सेवा आप सबके द्वारा होता है। अभी यहाँ व्यवस्था मैंने किया, लेकिन सुबह ही श्री लच्छी राम ने अपने चाचा तुलसी राम जी के द्वारा 2000 रुपया भेजे तुलसी राम जी, उसके बाद में उन्होंने आया आज के कार्यक्रम में मेरे तरफ से। बाद में भुलौ राम जी सकरी के, वह भी 500 रुपया ला करके दे दिए। अभी ला करके गरसीनी वाले जीवन लाल जी दे दिए। मैं क्या कर सकता हूँ, वो व्यवस्था करता हूँ, लेकिन व्यवस्था आप सब देते हैं, मैं कुछ भी नहीं। इस प्रकार से यदि आप अपना शांति चाहते हैं तो इस आश्रम में आते रहें, कमी नहीं होगी, और शांति लाभ लेते रहें, शांति लाभ लेते रहें, उसी के लिए है। इसलिए गुरु का महत्व सबसे सर्वोपरि है। गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई, गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है। माता पिता तो जन्म देते हैं और पाल पोष करके जिस रास्ते में माता पिता चलते हैं उसी रास्ते में अपने बच्चों को बेटी बेटा को पढ़ा लगा देते हैं, लेकिन संसार में कल्याण का कारण माता पिता नहीं है, एकमात्र गुरु है। यदि गुरु मुझे न मिला होता, गुरु मुझे न मिला होता तो मैं कहाँ भटकता रहता, कहाँ भटकता रहता, कहाँ होता। जिंदगी तो समाप्त तब होती है, मेरा प्रारब्ध अंत होगा तभी होगा, कहीं भी रहता, लेकिन गुरु मिला तो गुरु मिलने के बाद यह सब मिल रहा है। गुरु के आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, सब कुछ भरपूर मिल रहा है, न कहीं मांगने की आवश्यकता,
कुछ भी नहीं पड़ता है, आप लोग ला ला करके देते हैं, सब हो रहा है। इसलिए गुरु के बिना भाव निधि तरह न कोई, शिव बिरन शंकर सम होई। यदि संसार सागर से तरना चाहते हो तो गुरु के ही शरण, गुरु के ही शरण में जाओगे। इसलिए सदगुरु श्री राम रहस्य साहेब पद ग्रंथि में लिखा है, हंसा ऐसो गुरु मत भारी, लखे ते भाव में आवत नाही, भाव के बहुत बेगारी। हंसा, हम सब हंस है, जितने भी आए हैं यहाँ पर, नर के रूप में, नारी के रूप में, बालक वृद्ध के रूप में, सब शांति चाहते हैं तभी आश्रम में आए हैं, सब मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते, निर्वाण चाहते, सब तभी आए हैं। हंसा ऐसो गुरु मत भारी, गुरु मत सदगुरु कबीर का मत भारी है, भारी मत कहते सिद्धांत। कौन से सिद्धांत है सदगुरु कबीर का, जो जानो जीव आप ना करहु जीव को सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। जो जानो जीव आपना, यदि आप सब हम सब जीव तत्व को जान जाएं, जीव की सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ, जीव है, तभी आप सब माता पिता गुरु शिष्य कहलाते हैं। जीव निकल गया तो अभी समय है, अभी साहेब का शरीर पड़ा है, आत्मा निकल गया अभी भी समय है इसका दाह संस्कार करने का। क्यों सड़ाएं शरीर को, जीव के निकल जाने के बाद शरीर के पास सड़ना है। जीव ही का कीमत समझो, जो जानो जीव आपना करहु जीव को सार, जीव का सार स्वागत करने का समय केवल अभी है, अभी। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना से वो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म, जीव ही सर्वोपरि है। इसलिए श्री राम रहस्य साहेब ने सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहता है, हे हंसा ऐसो गुरु मत भारी, सदगुरु कबीर का मत क्या है, भारी है, वजनदार है, वजनदार है, इससे बढ़ करके कोई मत नहीं है दुनिया में, कोई मत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, सब कट जाता है जीव के सामने में। गुरु मत भारी, लखे तो भाव में आवत नहीं, जो जीव को जान जाएगा और जीव में अपने आत्मा में अपने चित्त को जोड़ देगा, चित्त को, तो जो चित्त को आत्मा में जोड़ देगा वो भाव में आता नहीं, फिर जन्म मरण के चक्र में आएगा नहीं। भाव के बहुत बेगारी, हम जन्म लिए हैं बेगारी तो कर रहे हैं, ये शरीर का बेगारी, शरीर की बेगारी, शरीर के सफाई से सुबह से उठ करके, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसी के लिए रात दिन हम दौड़ रहे हैं शरीर के पीछे। जिसके जिसको मान लिया, माता मान ले, पिता मान ले, भाई मान ले, बहन मान ले, पति पत्नी मान ले, बेटे बेटी मान के, उसकी बेगारी सहो, केवल बेगारी तो करना है। और कौन मेरा है, क्या मेरा है, कौन मेरा है, क्या मेरा है, कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाएगी भी तुझको यह भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं मेरा, लेकिन मैं जिंदगी भर मेरा मेरा कहते कहते सारा जिंदगी को मैं खो रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी नहीं है, न कोई मेरा है, हमारे दादा बाबा परपाजा सब चले गए, वे लोग भी मेरा मेरा कहते थे, लेकिन कहां, ये संसार लबरा का संसार है, लबरा, केवल लबरा है। और आज मैं भी कह रहा हूं मेरा है, मेरे माता पिता दादी दादा कहते थे मेरा है, मेरे चले जाने के मेरे संतान कहेंगे मेरा है, कहा किसका है ये संसार, किसका ये घर, ये जमीन किसकी है, जमीन केवल फौती उठा रहा है, उफैती उठाया जा रहा है, और किसी का नहीं है।
इसलिए इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं, केवल है तो तुम्हारी आत्मा। आत्मा में चित्त को जोड़ो, मन को जोड़ो, आत्मा के अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं है। एक मत किसका है? गुरु कबीर का मत है। हंसा हे हंसा, यहाँ पर बैठे सब हंस है, निर्छिर विवेकी है, विचारवान है, पारखी है, परखो अच्छी तरह से परखो, सब हंस है। गुरु कबीर का मत भारी, लखे तो भाव में आवत नहीं, भाव के बहुत बेगारी, संसार में केवल बेगारी है। बेगारी से बचना है तो गुरु के शरण में आओ, गुरु के विचारों को मानो। गुरु आपसे कुछ लेता नहीं है, अब आप देते हैं गुरु को केवल रोटी धोती और छाया देते हैं, उसी की व्यवस्था करते हैं। और गुरु से आपको मिलता क्या है? अविनाशी का बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो तीनों काल में नाश नहीं होता है, उस आत्म तत्व का ज्ञान गुरु से होता है। इस प्रकार से गुरु बिना भावनिधि तरह न कोई, गुरु के बिना संसार सागर में कोई किसी का कल्याण नहीं होता है। गुरु कैसा होता है? जैसे एक अनाज होता है, एक अनाज होता है जो जैसे जिसे कहा जाता है चना, मान लीजिए चना है, चना है सर्वगुण संपन्न है, चना में सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं बाकी है। आप उसे फुला लीजिए, अंकुरित बना लीजिए, अंकुरित अन्न खाइए, उसे फोड़ दीजिए बालू में, चना खाते रहिए, उसे दाल बना लीजिए, दाल के कढ़ी बनाइए, बेसन बनाइए, मिठाई बनाइए, बूंदी बनाइए, जो कुछ भी बनाना चाहते हो चना में सर्वगुण संपन्न है। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु है, सर्वगुण संपन्न है, पूर्णता में पहुंचे हुए हैं। ऐसे गुरु की शरण में हम जाएंगे, निश्चित हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। माता पिता जन्म देते हैं, पाल पोष करके योग्य बनाते हैं, और जिस रास्ता में चलते हैं उस रास्ता में लगा देते हैं, लेकिन गुरु है हमें भवबंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए गुरु के शरण में जो जाएगा उसी का कल्याण होगा। जैसे हमारा जीवन आज इस प्रकार से हो मिला है, तो गुरु की शरण मिला है। गुरु ने कहा तुम्हें रोटी धोती छाया का चिंता करना नहीं पड़ेगा, ये घलवे का चीज है। जैसे एक किलो परवर हम खरीदते हैं तो दो डारा धनिया भी मांग लेते हैं, दो ठो मिर्चा भी मांग लेते हैं, उसका पैसा देना नहीं पड़ता है, वो पुरौनी कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन निर्मल रहेगा। गुरु कहते हैं तुम्हारा जीवन निर्मल रहेगा, हर विकारों से अपने जीवन को बचा लोगे तो जीवन में रोटी धोती छाया घलवे का चीज मिलता रहेगा, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। ये संत जन न खेती करते हैं, न नौकरी करते हैं, न व्यवसाय करते हैं, वो आत्मज्ञान में डूबे रहते हैं। आत्मज्ञानी हैं, उनके शरण में आ पाते हैं तो कुछ देते हैं, उसी में उसका गुजर चलता है। तो इस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब कबीर आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आए हैं, और ये कार्यक्रम अभी समाप्त हो रही है। वैसे गुरु पूर्णिमा परसों है, 3 तारीख को पूर्णिमा को ही माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा को अनेक जगहों में जाना होता है, इसलिए और सक्रिय आश्रम में हर महीना में के 1 तारीख को सत्संग होता है, सत्संग और भोजन 11 बजे से 2 बजे तक। जो नहीं जानते वो भी जान जाए, 12 महीना यानी करीब करीब 2 साल होने जा रहा है यह कार्यक्रम चालू हुए, और लगातार चल रहा है, और कोई देगा तभी ये कार्यक्रम होगा ऐसी बात नहीं है। आप सब आश्रम में सारा व्यवस्था दे चुके हैं, कोई दे या मत दे, लेकिन आप सबको रोटी और भात और नमक मिलता रहेगा, आप आते रहेंगे और सत्संग के सत्संग से लाभ लेते रहेंगे। और आप सब कल भी आए और साहेब के
सुनार देवरी से पधारे हुए साहेब के आप कल भी सत्संग भजन से आप आए, सत्संग से लाभ लें और सेवा से भी लाभ लें, और कोई संत इधर उधर चले जाएंगे तब आपका आश्रम है, हमारा केवल नहीं है, जो रहेगा उसी का आश्रम है, इसलिए आप कल भी आकर के सत्संग से लाभ ले सकते हैं। अभी संतों की पूजा आरती होगी, उसके बाद भोजन होगा, भोजन करके ही आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, पुनः आप सब